नमस्कार दोस्तों, 6 अगस्त 2023 के दैनिक सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी यानी कि डेली जीके क्विज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में दिए गए जीके के क्वेश्चंस यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस, बैंकिंग तथा विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं तथा राज्य स्तरीय परीक्षाओं तथा सभी राज्य की पीसीएस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आपको 6 अगस्त 2023 के 20 सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उनके उत्तर एमसीक्यूज के रूप में दिए गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड आईटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? जापान, रूस, न्यूजीलैंड, स्वीडन। सही उत्तर है स्वीडन। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? आरती साहू, अभिलाषा नायक, लांस नायक मंजू, राजश्री पवार। सही उत्तर है लांस नायक मंजू। एनपीएस ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय सिंह, देवपाल, सूरज भान, उर्जित पटेल। सही उत्तर है सूरज भान। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने से छूट दी है? सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत। सही उत्तर है सऊदी अरब। निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरिफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है? लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। सही उत्तर है ट्विटर। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय सिंह, विक्रम नायक, अमरदीप सिंह भिंडर, सुरेंद्र सिंह महल। सही उत्तर है अजय सिंह। राष्ट्रीय संग्रहालय भारत ने मार्च 2023 में रजत प्रदर्शनी के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? रूस, नेपाल, डेनमार्क, जर्मनी। सही उत्तर है डेनमार्क। किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। सही उत्तर है ओडिशा। FIH प्रो लीग 2022-2023 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? पीआर श्रीजेश, हरमनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास। सही उत्तर है हरमनप्रीत सिंह। सरकार ने संजय मिश्रा का कार्यालय एक और वर्ष के लिए बढ़ाया है, वह किस एजेंसी में डायरेक्टर के रूप में कार्यरत है? आईबी, सीबीआई,
EDNIA सही उत्तर है ईडी। कौन सा शहर इंडिया के 2022 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? मुंबई, जयपुर, पुणे, दिल्ली। सही उत्तर है दिल्ली। किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? केवी राजू, पुनीत राजकुमार, संचारी विजय जयंती। सही उत्तर है पुनीत राजकुमार। बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? हैरी रीड, एडवर्ड एम केनेडी, बॉब रीड, जॉनी बेकर। सही उत्तर है एडवर्ड एम केनेडी। हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। सही उत्तर है गुजरात। किस देश ने यूक्रेन में डेमिनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी। सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में इन्फेंट्री डे कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर। सही उत्तर है 27 अक्टूबर। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सीरिया के लोगों को, एलेक्सी नवलनी, यूक्रेन के लोगों को, दलाई लामा। सही उत्तर है यूक्रेन के लोगों को। इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? अब्दुल लतीफ राशिद, अली अल्लावी, जुमा इनार, फुआद हुसैन। सही उत्तर है अब्दुल लतीफ राशिद। जलवायु पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक COP27 किस देश में आयोजित की जाएगी? स्पेन, पेरू, फ्रांस, मिस्र। सही उत्तर है मिस्र। किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत। सही उत्तर है न्यूजीलैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसे ही दैनिक जीके क्विज के
नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।